लो भाई, आज पूरे 7वां दिन हो गया हमको लाहौर में आए हुए। 21 को आ गए थे, 27 हो चुकी, 7 दिन हो चुके। तो आज हमने कर ली पैकिंग शैकिंग। अब हम 3 या 4 दिनों के लिए इस्लामाबाद साइड जा रहे हैं, और इस्लामाबाद पंजाब साइड वगैरह जाएंगे वहाँ पे। तो उसके लिए 3 दिनों के लिए कपड़े मैंने तो वकास भाई के बैग में ही डाल दिए हैं। चलो आ जाओ, और टिकट वकास भाई सुबह सुबह लेके आ गए, वो सब मैं नीचे समझाऊंगा आपको। लेट्स गो। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए दिन में। 7 दिनों के बाद हम फाइनली लाहौर को छोड़ के जा रहे हैं, पर छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा नहीं आएंगे। हम दोबारा आएंगे, 3-4 दिन बाद वापस से आएंगे लाहौर ही। और अभी यहाँ से हमने वकास भाई से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई हमको ट्रेन का सफ़र करना है। तो ट्रेन ऐसा है कि भाई पाकिस्तान और इंडिया में ना काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, पर वकास भाई ने बोला यार बसेज यहाँ पे ज़्यादा अच्छे। पर हमने बोला नहीं, बस नहीं अच्छी हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको ट्रेन ज़रूर देखनी है भाई, पाकिस्तान की ट्रेन में कैसा सफ़र होता है। और कई मैंने ट्रेन की रील्स भी देखी थी कि सीटों पे टीवी लगा हुआ है, और कई डाइनिंग कार्स वगैरह, काफ़ी लग्जरी ट्रेन भी हैं, नॉर्मल ट्रेन भी हैं। तो आज देखते हैं भाई हम कौन सी वाली ट्रेन में जा रहे हैं, और यहाँ से हम जाएंगे लाहौर से रावलपिंडी के लिए। ट्रेन हमने बुक ऑलरेडी कर दिया, वकास भाई सुबह सुबह जाके टिकट लेके आ गए हैं। वो सब मैं वहीं पे जाके लाहौर स्टेशन में बता दूंगा। और आप देखो आज हमारा सफ़र लाहौर से रावलपिंडी का। ये हम आ गए लाहौर के एक और एरिया में जिसका नाम है बहरिया टाउन। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रखा है, सेम एज ए DHA। और यहाँ पे आईफिल टावर भी, वो भी दिखाऊंगा। पर अभी हम आए शुरू में खाना खाने, ये कैथे कुजीन चाइनीज एंड थाई रेस्टोरेंट। और आज हमको लेके आए अली भाई, ये अपने सब्सक्राइबर, ये इमरान भाई के जानकार हैं। तो उन्होंने बताया था कि इनको आना है, तो वकास भाई ने कोऑर्डिनेट करके आज ही आए हैं। लोगों ने बहुत शोर डाल रखा था भाई, इनको जो लाहौर के डेवलप्ड एरिया है वहाँ पे लेके जाओ, वो दिखाओ। दोनों दिखा दिए, वो दोनों दिखा दिए, राया भी आपको दिखा दिया, वो इनको भी दिखा दें प्लीज। और बहरिया में भी ले आए हैं जी, और दोनों देख लिए, दोनों देख लिए, दोनों देख लिए हैं। और आप भी देख लो भाई, चलो आपको मेन्यू दिखा दूं आज। ये वैसे तो पाकिस्तान में हम पर चाइनीज फूड खाने आ गए, तो यहाँ पे सूप स्टार्टर वगैरह है। चिकन का सर ने रिकमेंड करा है, चिकन चिल्ली ड्राई, इसके साथ एग फ्राइड राइस के साथ मतलब खाना। और एक कुंग पाओ चिकन में, इसलिए मैं सोच रहा था ये खा लूँ, क्योंकि ये वो है पांडा एक्सप्रेस जो अमेरिका में खाते हैं ना, शायद वैसा मिले ये वाला। कुंग फू चिकन कहते हैं उसको, कुंग फू पांडा चिकन। तो ये बीफ भी है, पर बीफ आप बता रहे हो कि पाकिस्तान में लोग कम प्रेफर करते हैं, बहुत कम प्रेफर करते हैं, बहुत कम। चिकन और मटन, अच्छा। और ये देख लो फिश एंड प्रॉन्स, तो देखते हैं कैसा क्या आता है। एक पार्ट है जिसमें ज्यादा वो खाते भी हैं, वो केपी के में का ऊपर, वहाँ पे ज्यादा वो बीफ का, बीफ पुलाव ज्यादा यूज होता है। अच्छा, वहाँ पे बीफ का इस्तेमाल ज्यादा। ये मैंने पहली बार देखा, सिंगल प्लेटर एक बंदे के लिए ये खाना, ठीक है। अगर आप फैमिली सर्विंग 3-4 बंदे हैं तो सेम ही मेन्यू है, रेट थोड़ा ही ज्यादा है, बस 300 रुपए ज्यादा है। और ये 3-4 लोग खा लेंगे, और वो एक ही बंदा खा पाएगा है, 900 रुपए में एक बंदा खाएगा, 1300 में 3-4 बंदे। अच्छा है ना, बंदा फैमिली वाला ले ले, अपना खा ले, साथ वालों को पैक करा ले। तो चलो खाते हैं। ये आ गया अपना चिली चिकन ड्राई, वो भी चिली चिकन। ये कौन सा है? वही आप कोक चिकन, रेड कोक चिकन, ठीक है। अच्छा, तो आधा आधा कर लेंगे। बाजी के भी नूडल्स आएगी, चलो खाते हैं। हमको थोड़ी गर्मी सी लग रही थी तो हमने सोचा पेरिस आ जाते हैं, तो ये आ गए हम आईफिल टावर पे लाहौर का। क्या करें हम, हमारे पास देखो अगर ऊपर से ना देखो, बिल्कुल नीचे नीचे देखो, ऐसी फीलिंग सी आ रही है, बिल्कुल सेम लग रही है यार। मैं बताऊं इसकी हाइट भी यार, मेरे को तो उतनी सी लग रही है। कितनी है, कितनी हाइट है इसकी, अभी सर्च कर लेता। नहीं बाजी, नहीं 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 नहीं, इतना बड़ा तो नहीं, पर मैं अभी सर्च करके बता देता हूँ, रुको। हाँ दोनों की, तो यार पाजी की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, आंखों से माप देते हो। तो यार हाँ, तो या तो पेरिस वाला ज्यादा छोटा लग, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एरिया छोटा है और टावर बड़ा, इसलिए बड़ा लग रहा होगा मेरे को। पेरिस थोड़ा मतलब खुला डोला है तो टावर छोटा लगता है। पेरिस वाले की हाइट है 330 मीटर, इसकी है 80 मीटर, फिर भी यार बहुत बड़ा बना दिया। तो भाई यहाँ पे आईफिल टावर के ऊपर जाने की टिकट भी है। मैं भाई पेरिस वाले के ऊपर नहीं गया था उस टाइम, क्योंकि हमारे पास टिकट नहीं थी, और आपने देख लिया था क्या हुआ था। तो थर्ड फ्लोर की 300 की और फर्स्ट फ्लोर की 100 की, फर्स्ट फ्लोर ये वाला होगा, थर्ड फ्लोर वो ऊपर वाला। सस्ती पड़ गई ना, $1 में ऊपर पहुंच जाएंगे, वहाँ 30 लगते। 30 नहीं, 100। 100 की नहीं है, 100 की टिकट थी, अरे अर्जेंट में लेनी है। अच्छा, अब पेरिस वाले में से तो यहीं से लिफ्ट निकाल रखी है, और यहीं से सीढ़ियाँ भी हैं। तो पाजी बता रहे चंडीगढ़ में भी है, पाजी चंडीगढ़ वाले से बड़ा है या छोटा है?
उससे तो बहुत बड़ा है ये। वो 20-30 मीटर का है क्या? तो 10-15 मीटर छोटा ही नहीं, इतना 20-30 होगा, 20 होगा यार। फिर भी बहुत बड़ा रेप्लिका बना लिया। ये जो बीच में से लिफ्ट निकाली है ना, इससे थोड़ा सा दूर से अजीब लगता है, क्योंकि वो असली वाले में है नहीं ऐसी लिफ्ट, वो तो पैरों में से जाती है। चलो टिकट ले ली, 300 रुपये पर पर्सन, चलते हैं। यार ये खतरनाक कर रखा है, लिफ्ट में स्प्लिट एसी लगा रखा है और एसी साथ साथ ही जा रहा है लिफ्ट के। अच्छा इसका पाइप की तरह लंबा होगा? नहीं नहीं, इसके ऊपर पड़ा ना आउटर। अच्छा इसके ऊपर ही आउटर पड़ा है, आउटर ऊपर पड़ा है और इसकी वो इलेक्ट्रिक वायर जो है वो नीचे कर रहे हैं। वो तो ऑब्वियसली लिफ्ट के साथ चल रही है। पहले यहाँ पे रेस्टोरेंट भी था पर अब बंद हो गया। ये पहुंच गए हम ऊपर और वो मॉस्क है लाहौर की शायद सेकंड लार्जेस्ट मॉस्क, और यहाँ पे बनने लग रहा गोला गोला फिश टैंक, और यहाँ से आप पूरा देख सकते हो नज़ारा। भाई अभी ना ये जैसे हम यहाँ पे घूम रहे हैं ना, तो ये हिलने लग रहा है लिफ्ट के साथ साथ, थोड़ी टावर ये हिलती भी है, तो थोड़ा ऐसे विश्वास सा कम आ रहा है कि नकली आईफिल टावर है और शायद अभी अभी बनी होगी। तो एक हो जाता है ना कि भाई नई नई चीज़ है, पता नहीं क्या हो जाए। चलो अभी लिफ्ट आएगी तो हम इसी वाले में नीचे चल लेंगे। ये आप पूरा देख सकते हो, उस तरफ तो पूरा गांव ही आ गया, क्योंकि लाहौर के काफ़ी बाहर आ गए हम। ये एक तरह से कहते हैं ना, नया सेक्टर हो तो वो है, जैसे कुत्ता होगा ऐसा गुड़गांव, कई साल पहले 10-15 साल पहले, जहाँ पे नए नए सेक्टर बने होंगे। तो ये देख लो आप पूरा नज़ारा है। ये हम आ गए ग्रैंड मॉस्क लाहौर में, और एक ग्रैंड मॉस्क बनने लग रही है शायद कराची में भी। वो सबसे बड़ी ग्रैंड मॉस्क बने, मतलब पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी मॉस्क बनेगी, पर वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसका नाम कुछ भी नहीं है, ग्रैंड मॉस्क नाम है सिर्फ। मुझे लगता है जो बनने लग रही है ना, किसी सोसाइटी में कराची में बैरिया टाउन में बन रही है। ओके, जो आप बता रहे हैं हाँ, बैरिया टाउन ये हर शहर में है। शहर में अच्छे जो बड़ा बिग सिटी है उसके अंदर ये बैरिया टाउन है। ओके, जो कराची में बैरिया टाउन है उसी के अंदर सबसे बड़ी फिर बन रही होगी। बल्कि बैरिया टाउन में जो है वो ताजमहल की भी कॉपी। यहाँ हम आ गए अब कुरान गैलरी, ये है एंट्री मस्जिद की। लगी होती है भाई क्लॉक हर मस्जिद में, यहाँ पे मैंने नोटिस करा है, पता नहीं और देशों में शायद मैंने नोटिस ना करा हो यार। तो कई चीज़ें होती है जो नोटिस से छूट जाती है, और मैं कह देता हूँ भाई मैंने नहीं देखा, हो सकता है यार वो हो ही, पर मैं कई बार नोटिस से छूट जाती है ना, तो मेरे को लगता है कि मैंने नहीं देखा है, फिर होगी नहीं, है ना। तो यहाँ पे भाई हर प्रेयर की टाइमिंग लिखी है, दिन में 5 बार होती है। तो ये ऊपर वाली 5 ऊपर वाली 5 है, और जब बिल्कुल लास्ट बॉटम अगले दिन हो गया ना, वो दिन नहीं, ये फ्राइडे का उन्होंने रखा हुआ जो आप इकट्ठा होता है ना फ्राइडे, ये दिन लिखे हैं साइड में नहीं, ये टाइम लिखे हैं कि मतलब किस टाइम की उस नमाज को क्या बोलते हैं। जैसे मॉर्निंग 5:30 की है वो, उसको फजर बोलते हैं, तो अभी उसके बाद जोहर है, ये जो ग्रीन हुआ वो इसका मतलब है अभी इसका टाइम चल रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह 1:30 से 4 बजे तक इसी का चलेगा। हाँ, मतलब 4 बजे से पहले पहले ऊपर चलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर जोहर आ जाएगा, फिर मगरिब, फिर ईशा, और लास्ट जो बिल्कुल है वो फ्राइडे, ओनली फ्राइडे वो। हाँ वो, अच्छा ये टाइम ऑल ओवर द ईयर सेम रहते हैं? नहीं, चेंज होते हैं अकॉर्डिंगली वेदर, जैसे मतलब देखे कभी सूरज जल्दी आता है और कभी सूरज लेट आता है, चेंज होते रहते हैं ये, बिल्कुल दिन के हिसाब से चलता है। फ्राइडे वाला भी चेंज हो जाता है? हाँ डेफिनेटली, ओके, बट टाइम ऑलमोस्ट वही रहता है, 1 बजे 1:30 बजे। अच्छा, तो यहाँ पे मॉस्क विजिट कर लिया, बाहरिया टाउन दिखा दिया मैंने आपको, अब हमारी यहाँ से ट्रेन है। ट्रेन का टाइम था शाम के 4:30 बजे का, तो अब हो चुके 3:10, यहाँ से जाने में भी टाइम लगेगा, तो अब चलते हैं वापस रेलवे स्टेशन की तरफ। ये पहुँच गए भाई लाहौर के रेलवे स्टेशन पे। ये देखो मैंने पहले ही दूसरी वीडियो में भी दिखा दिया, अपनी पहले वाले में ही, शायद एंट्री की पर्ची कटवानी है, पहुंच गए 4:10 हो गए भाई, वहां से आने में काफी टाइम लग गया, 4:30 की ट्रेन है भाई। ये आ गए लाहौर के रेलवे स्टेशन पे।
पाकिस्तान में काफी सारी ट्रेन चलती है, एक नई ट्रेन लॉन्च हुई है ग्रीन लाइन करके, वो सबसे ज्यादा फेमस है, जैसे अपनी वंदे भारत है ना वैसी इसी अंदर से बना रखी है, पर उसकी टिकट भाई सोल्ड आउट चल रही थी, हमको मिली ही नहीं वो वाली टिकट, मतलब करानी पड़ती है 2-3 दिन पहले। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जोन सी भी लोकल ट्रेन मिलेगी वो हम ले लेते हैं, लोकल इन द सेंस जो मतलब हमारी नॉर्मल ट्रेन चलती है, फर्स्ट एसी सेकंड एसी थर्ड एसी स्लीपर, तो वो हमने ट्रेन ले ली है, उसकी टिकट बकास भाई सुबह ले आए थे। चलो 4:30 की ट्रेन है, ये रेलवे स्टेशन है। बकास भाई आप स्टेशन पे आके लेके गए थे टिकट? हेडक्वार्टर से लेके गया था। अच्छा अच्छा, ये है स्टेशन की एंट्रेंस और यहाँ पे हमारी ट्रेन 103 यूपी है। अबे 103 इसमें लिखा ही नहीं है शायद। चलो चलते हैं, ये मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो लगा रखी है, ये मैं फिर से नाम भूल गया यार, इकबाल क्या नाम था भूल गया मैं नाम, यही वाली ट्रेन हमारी लगी हुई है वो कह रहे हैं। अब इसमें डिब्बा युब्बा नंबर देखना पड़ेगा, क्या लिखा भाई डिब्बा नंबर? AC 08, ये रहा कोच नंबर 08। चलो भाई चलो, हमारी टिकट की कॉस्ट मैं एक बार आपको बता दूं, 1750 पाकिस्तानी रुपए पर पर्सन। हाँ जी, तो मतलब ये मान लो लगभग 550 रुपए इंडियन। क्लास आगे होनी चाहिए ना, पता नहीं यार कहाँ लगी होगी। डिब्बे का नंबर तो लगा दिया 08। ये बिजनेस क्लास, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है लाहौर रावलपिंडी और लाहौर। अच्छा रावल, ओहो रावल, ओ ये तो चल पड़ी, थोड़ा थोड़ा ऐसे सरकाते रहते हैं इंडिया में भी, डराते रहते हैं लोगों को। मुझे लगता है ये टाइम से ये 7वां है, 7 लिखा है। और ये री पार्लर कार सुपर डीलक्स, हमारा भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, वो डबल सीट वाली होगी ना आमने सामने? हाँ वैसी भी हो सकती है। चलो तो वकास भाई बिजनेस क्लास सीट नहीं मिली, बहुत ट्राई किया फुल थी भाई। यहाँ पे लिखा है लाहौर रावलपिंडी लाहौर, कुछ ऐसा ही बताया, या फिर रावलपिंडी लाहौर रावलपिंडी, मेरे को अब सब पढ़ने में नहीं आ रहा। तो ये अपना AC स्टैंडर्ड वाला है, ये मेरे को लग रहा है सबसे लोअर क्लास होगी पूरे ट्रेन में, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्या पता इससे भी ज़्यादा लोअर हो, मेरे को पता नहीं है। इसकी 1750 की टिकट है। चलो भाई चलते अंदर। चलो मैंने कहा देखो वो आप हमारे साथ मिक्सअप हो गए। हाँ मैं मिक्सअप हो गया, हाँ पता चल रहा आप कौन हो। हाँ दस्तार के साथ है ना, तो ऐसे ही वो सरदार साहब अलहदा से नजर आ रहा है। हाँ चलो 10 मिनट बचे हैं ट्रेन निकलने में, पकड़ते हैं सीट अपनी। ये भाई चढ़ गए ट्रेन में, भाई हाँ मैंने सही आइडिया लगाया था, ये इससे नीचे डिब्बा होगा जिसमें AC नहीं होगा, पर इसमें AC है ठीक है, और ऊपर बैग रखने का है। यहाँ पे USB पोर्ट्स हैं, ये हमारी सीट नंबर है 46, 47 और 48, और तीनों ऐसे ही बैठेंगे यहाँ पे ठीक है। चलो बैठो। वैसे तो मैंने लाहौर का रेलवे स्टेशन पिछली आपको वीडियो में दिखा दिया था, पर ये ट्रेन की डेडिकेटेड वीडियो है तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो भाई पूरा पुराने टाइप में स्टेशन अभी भी बना हुआ है, 2 नंबर और 4 नंबर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे इन्होंने 99 नेम्स अला के लिख रखे हैं, इस तरफ शायद 48 होंगे या उस तरफ 49 होंगे, उस तरफ भी सेम बना, अभी ट्रेन खड़ी आपको दिख नहीं रहा होगा। इस तरफ 1 नंबर प्लेटफॉर्म उस तरफ है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म ये, इसके साइड में 4 नंबर और 3 नंबर फिर आगे है, तो ऐसा डिज़ाइन बना रखा है बिल्कुल पुराना और प्रिजर्व कर रखा है इन्होंने। और भी प्लेटफॉर्म है इस साइड, वो भी अभी ट्रेन खड़ी है तो हम दिखा नहीं पाए, और उस साइड जाना तो आपको वो ब्रिज पार करके जाना पड़ेगा, लगभग 3-4 मिनट बचे हैं अपने चलने में, अंदर चलते हैं। लो भाई ट्रेन चल चुकी है, धीरे धीरे चल रही है, अभी तो उतर गई। चलो भाई ये ट्रेन चल चुकी है और अभी तक निकली नहीं है स्टेशन, आराम आराम से निकलेगी। यहाँ से रावलपिंडी का सफ़र हमारा लगभग पड़ेगा 320 किलोमीटर और हमको लगेंगे लगभग 5 घंटे। वॉशरूम यार स्टेशन घुमा ही नहीं पाया क्योंकि टाइम सा ही नहीं था, हम लेट हो गए, ये निकल गए। अभी तो चढ़ सकते हैं, अभी तो उतर चढ़ सकते हैं, अभी तो स्पीड है ही नहीं कुछ भी। चलो जी लो भाई स्टेशन से कर दिया हमने एग्जिट, ये आखिरी डिब्बा है हमारे वाला, आखिरी है पैसेंजर के लिए। काफ़ी सारे अलग अलग टाइप की कोचेज हैं यार, बिजनेस क्लास, पार्लर क्लास, AC डीलक्स, AC स्टैंडर्ड, फिर नॉन AC, और टाइम पे चलिए बिल्कुल 4:30 बजे, अब देखते हैं टाइम पे पहुंचाती है या फिर नहीं।
भाई पाकिस्तान की ट्रेन चल तो सही स्पीड पे रही है, पर थोड़ा ना इनकी हिलती ज़्यादा है ट्रेन, मतलब नॉर्मल से कंपैरिजन करूँ तो मैं, हिलती ज़्यादा है, उछलती ज़्यादा है, कई बार स्मूथ हो जाएगी फिर 5 किलोमीटर बाद फिर ऐसे डक 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 डक, तो शायद डिब्बे पुराने हैं इसलिए ऐसा है, क्योंकि यार यहाँ पे ना ट्रेन की डिमांड काफ़ी कम है, मतलब वैसे तो आपको फुल दिख रही होगी पर ज़्यादातर लोग ना बस की तरफ झुकाव है या फिर मोटरवे काफ़ी अच्छे बने हुए इनके एक्सप्रेस वे, तो गाड़ियों से चले जाते हैं और ज़्यादातर लोगों का बस की तरफ ज़्यादा झुकाव है, क्योंकि ट्रेन लेट वगैरह हो जाते हैं ना तो ये लोग विश्वास नहीं करते कि ट्रेन से हम ट्रैवल करें, तो काफ़ी मतलब जो पटरियाँ वगैरह वो बंद भी कर दी हैं, पर अभी कराची तक तो फुल सर्विस है, अगर आपको इस्लामाबाद से कराची या फिर पेशावर या फिर क्वेटा जाना है तो पूरी सर्विस है, पर कम करते जा रहे हैं, अभी थोड़ा शायद बढ़ाई है इन्होंने, नई वाली ट्रेन लाए हैं, तो टाइम मिलेगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा ही है ना भाई, बस को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है ना, फिर भी बस को मिलती है, रीज़न है कि ट्रेन पे मैंने भी बड़े टाइम के बाद सफ़र किया है। हाँ जी, मतलब 2007 में मैंने किया था। अच्छा, 2017 किया, 17 साल बाद भाई ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं आपके साथ। तो अभी ये है कि जैसे हमने इस्लामाबाद जाना है, हाँ, तो अभी ये तकरीबन मेरे ख्याल में बिल्कुल पैरेलल चल रही है इसके ना जीटी रोड के साथ, जीटी रोड से अगर इस्लामाबाद जाते हैं तो वो 290-295 किलोमीटर बनता है, और मोटरवे से जाते हैं तो वो लगभग बनता है 370-380 के लगभग ना, गाड़ी से आप 4 घंटे पहुँच जाते हैं आराम से, 4 घंटे में, आधा घंटा आप ब्रेक लगाओ 4.5 घंटे में इस्लामाबाद आराम से पहुँचते हैं। लोग ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए बस को देते हैं, मेरा ख्याल एक सिमिलर फेयर आता है, सिमिलर फेयर है, अच्छा, और थोड़ी सीट उसकी कंफर्टेबल रहती है, अच्छा, और ये जो आप बता रहे हो थोड़ा हिलना डुलना वो कम होता है, थोड़ा कम होता है, ठीक है। वो आ गए भाई अपने टीटी साहब, हमारे वालों की यूनिफॉर्म ब्लैक एंड वाइट, जज को जज कह रहा हूँ, वकील जैसी है इनकी यूनिफॉर्म, ऐसी है पाकिस्तान का फ्लैग लगा रखा है, लिस्ट पूरी ले रखी हाथ में, तो ये इनके टीटी साहब हैं, ये रिफ्लेक्शन सी आ रही है यहाँ पे, वरना मस्त बाहर के नज़ारे दिखाता, अभी गुजरांवाला शहर आने वाला है। ये आ गया गुजरांवाला का शहर, और यहाँ पे ट्रेन का पहुँचने का टाइम था 5:27, लगभग उसी टाइम पे पहुँचेगी, अभी 5:24 हो रहे हैं और 2-3 मिनट में पहुँच ही जाएगी। ये आ गया गुजरांवाला का स्टेशन, पीछे एक स्टेशन और आया था गुजरांवाला सिटी, चलो चलने का 1-2 मिनट ही रुकेगी मेरे हिसाब से, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुँची है भाई ट्रेन 5:27, अभी 26 ही हुए होंगे शायद, तो ये बात है कि इस्लामाबाद टाइम पे पहुंचती नहीं पहुंचती, ये देखने को मिलेगा। तो इसमें टोटल बीच में आएंगे 7 स्टेशन, गुजरांवाला आएगा, वजीराबाद, फिर आएगा गुजरात, तो गुजरात के बाद इन्होंने कहा शायद इस कोच से हमको शिफ्ट कर देंगे दूसरे वाले कोच में, वो वकार भाई ने थोड़ी रिक्वेस्ट कर दिया हमको लेके कि भाई ये वीडियो बनाने आए हमको अच्छे वाले में बिठाओ, हमको टिकट नहीं मिली थी, तो बोले भाई गुजरात तक ट्रेन काफ़ी रश है फिर बंदे उतर जाएंगे, तो गुजरात में आपको पार्लर क्लास में शिफ्ट कर देंगे। तो हमने कहा मान लेते ये भी सही था, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सही तो सभी है यार, हम तो बिना एसी के भी चले जाते, हमको दिखाना है कि कैसी ट्रेन है। तो देखो भाई ये अभी रात सी हो जाएगी यार, इसके बाद तो शायद मैं आपको इस्लामाबाद ही दिखा पाऊँ, पर जो मेन स्टेशन आएंगे उस पर उतर के मैं आपको जरूर दिखाऊंगा भाई। वजीराबाद स्टेशन आया था, नीचे तो नहीं उतरे क्योंकि यहाँ पे स्टेशन ही हमारे पास आ गया, चाय लेके आए थे सर वकास भाई के दोस्त, खाने पीने का और 3 चाय, 1-2 मिनट रुकेगी तो वो भी चले गए भाई। ये पहुंच गए गुजरात स्टेशन पे और यहाँ पे हमारा डिब्बा चेंज हो गया क्योंकि वकास भाई ने थोड़ी रिक्वेस्ट करी, तो पार्लर कार में आ गए हम, ये वाली पार्लर कार है, अंदर से दिखाता हूँ फ्लैश लाइट ऑफ करके आपको। अभी गुजरात स्टेशन पे हमको D123 पे बैठने के लिए बोल रहा था, बट 3 पे अभी कोई बैठ रखा है, वो टिट्टी आएगा तो देख लेंगे, तो यहाँ पे ऐसी सीटिंग है भाई कि 2-2 की सीट है, थोड़ी महंगी टिकट होगी इसकी पर ये फुल चल रही है, हमारी वाली थोड़ी खाली थी। अब यहाँ पे भी पंखे हैं पर लोगों ने ऑफ कर रखे हैं, लाइटिंग अच्छी है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे डस्टबिन भी है, यहाँ पे पैर रखने का भी है, और सीट थोड़ी चौड़ी है, यहाँ पे भी कुछ दे रखा है, ये पता नहीं क्या है, चलता नहीं होगा, ये रिक्लाइन करने के लिए भाई सीट हो नहीं रही है या पहले से रिक्लाइन है पता नहीं। तो ये है पार्लर कार, ये पहुंच गए भाई झेलम स्टेशन हम, झेलम ये है ट्रेन का थर्ड लास्ट स्टॉप, इसके बाद स्टॉप आएगा चकलाला और उसके बाद आएगा रावलपिंडी, मतलब चकलाला बिल्कुल ही रावलपिंडी के अंदर ही है,
और 2 मिनट ही रुकती है ट्रेन झेलम स्टेशन पे। ये भी ट्रेन चल रही है लगभग लगभग 25 मिनट लेट आ रही है। लो जी झेलम से चल चुकी है ट्रेन, लगभग 25 मिनट लेट है। अरे आ जाओ भाई साहब, लो निकल गए स्टेशन से। रात हो गई, दिन होता तो और मजा आ जाता, पर दिन 2 घंटे मिले थे चलते हुए, अगर वहां से 6:30 बजे चलते तो मुश्किल होगा। कुछ नहीं दिखता, चलो अब तो कुछ नहीं दिखेगा, अंदर चलते हैं। ये टॉयलेट है ट्रेन की, एवरेज साफ सफाई है। पानी देख लेते हैं आ रहा है नहीं आ रहा, पानी भी आ रहा है, साबुन भी है। और मैं टॉयलेट दिखाऊंगा नहीं, कई लोग कहते हैं भाई खाना खाते खाते देख रहे हैं तुमको, मत दिखाओ, तो नहीं दिखाता। लो जी ये पहुंच गए हम रावलपिंडी रेलवे स्टेशन और ट्रेन आई है 16 मिनट लेट। वकास भाई कह रहे हैं अभी बिजनेस क्लास भी देख ही आते हैं, अभी पैसेंजर सारे उतर गए होंगे। ये अपने आ गए नासिर भाई, नासिर ढिल्लो साहब। क्या हाइट है आपकी? 6'3". अच्छा, परमवीर की 6'4" है। चलो आ जाओ। सफर कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा था ट्रेन का, आप कह रहे थे लेट हो जाते, कहाँ लेट हुई है, 15 मिनट लेट हुई है बस। आ जाओ। ये बिजनेस क्लास है भाई, यहाँ पे 6 बंदों का है लेटने वाला, मतलब ये 3rd AC और 2nd AC के बीच का सा आ गया, जैसे इसमें पर ये दरवाजा वगैरह सब दे रखा है। प्राइवेट हो जाता है ऐसे। अच्छा, तो वहाँ से लेट के भी आते हैं लोग, मतलब आप कहते हैं लंबे रूट पे होगा लेटने का, पर नहीं है, देखो इसमें भी है लेटने का। देखो ना, मतलब ऐसे तो बैठ के चलना है। हाँ, जो सेंटर वाला है ना, जब सबने इंडिया में क्या रूल है कि दिन में आपको बैठ के जाना पड़ेगा, तो सेंटर वाला जिसकी सीट है ना वो बेचारे को बैठना ही पड़ेगा, तो अगर नीचे वाला कहेगा कि बैठना है मेरे को। हाँ, अंडरस्टैंडिंग पे। चलो आ जाओ, ये आ गए पिंडी स्टेशन के बाहर। यहाँ के लोग पिंडी बोलते हैं इसको, रावलपिंडी पूरा नाम है जी। कहाँ? यहाँ ये? अच्छा, हाँ उर्दू में। चलो, ये टिकट काउंटर है। परेशान हो गया बड़े बैग के साथ हैं? नहीं, मैं परेशान नहीं। मैंने क्या करना, अपने कपड़े इसी में डाल दिए, मैं बैग लेके ही नहीं आया इस्लामाबाद की। कोई बात नहीं, खुद ही कह रहे थे मेरे में डाल दो। ठीक है ना, अभी वो ट्रेन वाला सफर था, उसमें दिक्कत थी। चलो, अभी वो गाड़ी आ गई अपनी, हाँ उसमें डाल रही है। ठीक है, चलो आ जाओ। ये है स्टेशन की आउटसाइड रावल पिंडी रेलवे स्टेशन, पूरी लाइटिंग करता रहता ना कुछ ना कुछ ला के, वो खड़ा है वहाँ पे इंजन। लो भाई यहाँ पे आए हैं, इस्लामाबाद आ गए हम रावल पिंडी से, मतलब शहर आप एक ही कह सकते हो, दो अलग अलग कह लो, चंडीगढ़ मोहाली की तरह सिस्टम है वो, कल मैं सारा समझाऊंगा। पर अभी हम आए हैं खाना खाने, देखते हैं कहाँ खाते हैं, क्या चीज़ की। यहाँ भी ब्रांच, वहाँ भी ब्रांच, यार रेस्टोरेंट बड़ा ही बढ़िया बना रखा है। एंट्रेंस एंट्रेंस बिल्कुल। ये हम जहाँ पे आए ना वो टर्किश रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे देख लो भाई हुमस की कई सारी वैरायटी आ गई। ये भी हुमस है, ये भी हुमस है, ये भी हुमस है, ये गार्लिक है, इसको पीता कहते हैं, वो फलाफल हो गया, ये बीच में फ्रूट है सारा, ये चिकन का है, ये क्या है, ये योगर्ट का है, हाँ दही है ये, ठीक है, वो पिज्जा है, उस पर भी चिकन है, नहीं इसमें चिकन। अच्छा ठीक है, वो फ्राइज हो गई, तो ये पूरा प्लेटर आया, देखो कितना बड़ा है। ये आप देसी घी बना रहे हैं, ये आप देसी घी बना रहे हैं, ये है ये पनीर है, हाँ पनीर लग रहा है, पनीर है, चक्की है, आ गया खाने का, पता नहीं चक्की चक्की क्या ये है, ये है ए ओ चक्की चक्की मेरे को तो वही समझ में आई। आओ भाई साहब, तुम दस दिए चिकन मटन बिल्कुल नहीं खाना, वेजी है। यहाँ पे खा लिया खाना, रात के 12:30 बज गए, बातें करते 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 पता ही नहीं चला भाई 12:30 बज गए। खाना काफी अच्छा था और रेस्टोरेंट का नाम था बैत अल अरब मंडी रेस्टोरेंट, मंडी है वो ऊपर था, मतलब ये पूरा एक ही बंदे का है बस चीज़ के अलावा। और
ब्री सबसे टॉप वाला जो टर्किस्तान है उस पे बैठे थे भाई, नाम नहीं पता चल रहा मेरे को। कल या तो हम जाएंगे हसन अब्दाल जहाँ पे पंजा साहब गुरुद्वारा है, या फिर हम इस्लामाबाद घूमेंगे, वो डिसाइड करते हैं अभी जाके क्या करते हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, आपको मिलेंगे कल।